ورحمته وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है रोजा और नमाज। आमतौर पर यह बात देखने में आई है कि रमजानुल मुबारक में बहुत से लोग रोजे का एहतमाम तो करते हैं, सहरी और इफ्तारी का एहतमाम भी होता है, लेकिन नमाज से गफलत बरतते हैं। हकीकत यह है कि जिस तरह रोजा अहम है, इसी तरह नमाज भी अहम है। रोजा अगर फर्ज इबादत है तो नमाज भी एक फर्ज इबादत है। रमजान साल में एक मरतबा आता है तो नमाज दिन में 5 दफा अदा करने का हुक्म है। नमाज अल्लाह सुभान व तआला से मुलाकात का जरिया है, अपनी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, अपनी इताअत के इजहार का जरिया है। नमाज के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता। नमाज दीन की बुनियाद है। नमाज को छोड़ना दीन की बुनियादों को हिला देना है। अल्लाह सुभान व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। यानी इसके फर्ज होने में, इसके अहम होने में कोई शक्को शुबा की गुंजाइश नहीं। बार बार कुरान पाक में आता है वो अकीमुस सलात व आतुज ज़कात, नमाज कायम करो और जक़ात अदा करो। अगर कुरान पाक पर गौर किया जाए तो हम देखते हैं कि शायद ही नमाज से ज्यादा किसी और चीज के बारे में इतना ताकीदी हुक्म दिया गया हो या इतनी ज्यादा तकरार मिलती हो। नमाज दरअसल हमारे रोजमर्रा होने वाले गुनाहों के कफारे का भी जरिया है। हकीकत यह है कि हम सब इंसान किसी न किसी तरह गलती कर बैठते हैं, कोई ना कोई गुनाह हमसे सरजद हो जाता है, लेकिन जब हम नमाज पढ़ते हैं तो साथ साथ गुनाहों की सफाई होती चली जाती है। इसके बारे में एक हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर बहती हो और वो उस नहर में हर रोज 5 मरतबा नहाए तो क्या उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगा? सहाबा कराम ने अर्ज किया, नहीं, किसी किस्म का मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही 5 नमाजों की मिसाल है। अल्लाह ताला इन नमाजों के जरिए गुनाह मिटा देता है। तो गोया दिन में 5 मरतबा पाक साफ होकर अल्लाह पाक के हुजूर हाजिर होना इंसान की गुनाहों की माफी का जरिया भी है और इंसान के दिल पर जो बोझ आ जाता है उन गुनाहों के जरिए उसको उतारने का सबब भी है। फिर खास तौर पर मर्द हजरात अगर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं तो उसका अजर व सवाब और भी ज्यादा है। अल्लाह सुभान व तआला उनको अपने मुलाकाती करार देते हैं। हजरत सलमान से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने घर में अच्छी तरह वुजू किया और फिर वो मस्जिद में आया वो अल्लाह ताला का मुलाकाती है और मेजबान के लिए जरूरी है कि वो अपने मुलाकाती की इज्जत करे। यानी ऐसे लोग इज्जत के मुस्तहिक हैं जो खास तौर पर मस्जिद में नमाज का एहतमाम करते हैं। रमजानुल मुबारक में फराइज के अलावा खास तौर पर क़ियामुल लैल की बहुत ताकीद मिलती है। हदीस पाक में आता है, मन काम रमदान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बि, जिसने रमजान में ईमान और एहतिसाब के साथ यानी खालिस नियत के साथ और अल्लाह ताला से अजर व सवाब की नियत के साथ रात को क़ियाम किया यानी तरावीह नमाज अदा की तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तरावीह की नमाज बुनियादी तौर पर एक नफल नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें यह पता चलता है कि आपने रमजान की आखिरी रातों में बाजमात भी इस नमाज का एहतमाम किया। हजरत अबू जर से मरवी है, कहते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोजे रखे
आपने हमें तरावीह की नमाज न पढ़ाई यहाँ तक कि रमजान के 7 दिन बाकी रह गए, यानी आखिरी अशरा आ गया। 23वीं रात की एक तिहाई गुजरने पर आपने हमें तरावीह पढ़ाई, फिर आपने 24 शब को नमाज नहीं पढ़ाई, 25वीं शब आधी रात गुजरने पर नमाज तरावीह पढ़ाई। हमने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ही अच्छा हो अगर आप रमजान की बाकी रातों में भी हमें नफल नमाज पढ़ाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इमाम के फारिग होने तक इमाम के साथ क्याम किया, यानी बाजमात ये नमाज अदा की, उसके लिए सारी रात के क्याम का सवाब लिखा जाएगा। फिर आपने हमें नमाज तरावी नहीं पढ़ाई हत्ता के 3 रोज बाकी रह गए, चुनांचे आपने हमें 3री मरतबा 27वीं शब तरावीह पढ़ाई, जिसमें अपने अहलो अयाल को भी शामिल किया, यानी खवातीन भी शामिल हुई, यहां तक कि हमें फलाह के खत्म होने का डर हुआ। मैंने हजरत अबू जर से पूछा, फलाह क्या है? हजरत अबू जर ने जवाब दिया, सहरी। यानी आपने इतनी तवील नमाज पढ़ाई कि सहाबा कराम को यूं महसूस हुआ कि गोया सहरी करने का वक्त भी गुजर जाएगा। सवाल यह पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजाना क्यों नहीं नमाज पढ़ाई? आप खुद तो तहज्जुद का इत्तेमाम बाकायदगी के साथ किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाजों के अलावा रात का क्याम अपने लिए लाजम कर रखा था, लेकिन दूसरों को यह नमाज रमजान की हर शब बाजमात न पढ़ाने के पीछे एक हिकमत यह हो सकती है कि अगर आप ऐसा करते तो शायद ये नमाज फर्ज के दर्जे को पहुंच जाती और फिर उम्मत के लिए इसको अदा करना मशक्कत का सबब होता। क्योंकि एक और रिवायत से यह पता चलता है कि इन रातों में लोगों का शौक और जौक देखने के काबिल था, यानी हर रात में पहले से ज्यादा लोग नमाज में शरीक हुए, क्योंकि इस नमाज के पढ़ने का अपना ही एक लुत्फ होता है, क्योंकि खासतौर पर इसमें इंसान को मौका मिलता है कि वो तरावीह में पूरे का पूरा कुरान पाक सुन सके। रात के इस क्याम के अलावा दिन में मुख्तलिफ औकात में नवाफिल का एहतमाम किया जा सकता है, क्योंकि रमजान में एक नफल अदा करने का सवाब आम दिनों के फर्ज अदा करने के बराबर है। लेकिन ये याद रहे कि नवाफिल में एतदाल बहुत जरूरी है। हजरत अनस कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफल नमाज अपनी तबीयत की खुशी और शौक के मुताबिक पढ़ो, जब तबीयत थक जाए तो बैठ जाओ। इससे ये भी पता चलता है कि नफल नमाज बैठकर भी अदा की जा सकती है और जितनी किसी की इस्तेआत हो उसके मुताबिक। हजरत आयशा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी हिम्मत के मुताबिक इबादत करो, अल्लाह ताला कभी नहीं थकता, यानी वो अजर देने से नहीं थकता जबकि तुम थक जाते हो। यानी ऐसा ना हो कि तुम एक काम शुरू करो और इतना ज्यादा शुरू कर दो कि फिर उसको निभा ना सको, तो ये अमल पसंदीदा नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अलास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, तुम फलां आदमी की तरह न हो जाना जो रात को उठा करता था फिर उसने उठना छोड़ दिया। यानी इंसान एक काम शुरू करे नेकी का और फिर कुछ दिनों के बाद छोड़ दे तो ये बात दुरुस्त नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि हम रमजान में तरावी की नमाज छोड़ दें कि शायद हम आम दिनों में तहज्जुद नहीं पढ़ सकेंगे। नहीं, हो सकता है कि अल्लाह सुभान व तआला हमें रमजान में तरावीह को पाबंदी से अदा करने की वजह से आम दिनों में भी तहज्जुद की तौफीक अता करें, क्योंकि तहज्जुद की नमाज एक बहुत खूबसूरत नमाज है। वो वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है और इंसान के लिए बहुत ही सुकून और अजर का जरिया है। नफल नमाजों में एक और नमाज जो बहुत ही बायस अजर है वो चाश्त की नमाज है। इसके बारे में हजरत अबू दरदा और हजरत अबू जर से एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम के बच्चे, दिन के शुरू में मेरे लिए 4 रकत नमाज अदा कर, मैं तेरे सारे कामों के लिए काफी हो जाऊंगा। यानी इन रकतों का इतना अजर सवाब है कि दिन की बाकी बहुत सी मुश्किलात आसान हो सकती हैं। तो आज की बात का खुलासा यह है कि नमाज की पाबंदी की जाए। अगर कोई शख्स नमाज अदा नहीं करता तो उसे ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला के हक में
एक बहुत बड़ी कोताही का मुर्तकिब हो रहा है। नमाज को छोड़ना गुनाह कबीरा है। इंसान सोचे तो अल्लाह सुभान व तआला ने हमें कितनी बेशुमार नेमतें दे रखी हैं। हमारा ये वजूद, खाने पीने की नेमतें, ये जमीन या आसमान, ये सब कुछ उसने हमारे लिए पैदा किया, सब कुछ उससे लेकर फिर आखिर हम उसी को याद क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका हुक्म है कि अकिम सलात लिज़िक्री, नमाज मेरी याद के लिए कायम करो। ये याद करने का, उसकी मुलाकात करने का एक बेहतरीन तरीका है। और अगर हम उसको उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक याद नहीं करते तो ये उसकी रजामंदी हासिल करने का जरिया नहीं हो सकता। इसीलिए हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस्लाम और कुफर के दरमियान एक हद फासिल करार दिया। फिर इसी तरह आपने इसे दीन का सुतून करार दिया। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि कुरान पाक में नमाज न पढ़ने वालों के लिए बहुत वईद आई है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि फी जन्नत यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, यानी जन्नत में जब अहले जन्नत पहुंच जाएंगे तो वो मुजरिमों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में क्या चीज ले गई? कालू, वो कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे, वलम नकु नुतअमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नखुदु मअल खाइदीन, और हम बहसे करने वालों के साथ मिलकर बहसे करते थे। हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम तो ऐसे लोगों में शामिल नहीं कि जो अल्लाह ताला के हुकूक भी पामाल करते हों और दूसरी तरफ बंदों का भी ख्याल न करते हों और महज बातें ही बनाना जानते हों। क्योंकि कोई भी काम महज बातें करने से नहीं हुआ करता जब तक कि अमली तौर पर कोशिश न की जाए। और यह बात भी याद रहे कि कयामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर पहले ही सवाल में फेल हो गए तो बाकी चीजों का क्या होगा? इसलिए हम सबके लिए ये बात जरूरी है कि हम रमजान को एक बेहतरीन मौका जानते हुए अपने आप को नमाज का पाबंद बनाएं। क्योंकि रोजा हमें एक ऐसी फिजा मुहैया करता है, हमें रूहानी तौर पर ऐसी ताकत अता करता है कि जिसमें हमारे लिए ये बात आसान हो जाती है कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। मसलन ये कि आम तौर पर अगर सुबह के वक्त उठना मुश्किल लगता है तो रमजान में सहरी के लिए तो उठा ही जाता है। अगर 30 दिन तक हम सुबह के वक्त फजर की नमाज पाबंदी के साथ अदा करें तो इंशाल्लाह ताला हमारी आदत बन जाएगी और रमजान के बाद फिर उस आदत को कायम रखना मुश्किल ना होगा। इसी तरह अगर रात को तरावी पढ़ी जा रही है तो बाद में भी इशा की नमाज भारी ना होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि फजर और इशा की नमाज में कितना अजर व सवाब है तो लोग अपने घुटनों के बल चलकर मस्जिदों में आए। लेकिन हकीकत यह है कि हम इस नमाज का अजर व सवाब नहीं जानते, इसीलिए हम इससे कोताही बरत जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो अपने इस हक को पहचानने की और इसे सही मानों में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस सिलसिले में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तरावी और तहज्जुद की नमाज में क्या फर्क है? तरावी रात के पहले हिस्से में पढ़ी जाती है और तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि वो हदीस मैंने आपके सामने बयान की, एक रात उसको रात के अव्वल हिस्से में पढ़ा, दूसरी रात दरमियाने में और तीसरी रात आखिरी हिस्से में। तो ये क़यामुल लैल ही के बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ नाम है। मेरा आपसे सवाल है कि अगर नमाज तरावी ना पढ़ सके रोजा हो जाते इस सूरत में? जी हाँ, इसलिए कि रोजा अलग इबादत है और नमाज तरावी अलग इबादत है। लेकिन जानबूझ के तरावी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि इस नमाज की ताकीद भी है और इसका अजर व सवाब भी बहुत है। और क्याम की हालत में कुरान पाक का पढ़ना और सुनना क्यामत के दिन सफारिश का सबब भी है, तो इसलिए इसका एहतमाम करना चाहिए। अगरचे आपका रोजा हो जाएगा तरावी न पढ़ने की सूरत में, बाज़ोकत इंसान बीमार होता है या कहीं सफर पर होता है और उसमें लंबी नमाज पढ़ने का उसको मौका नहीं मिलता किसी वजह से, लेकिन रोजा रखने का मौका मिल जाता है तो वो रोजा रख सकता है। और इसी तरह एक बात ये भी जहन में रहे कि बाज लोग किसी बीमारी की वजह से रोजा रखने से कासिर होते हैं तो वो तरावी भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख पाया और वो तरावी पढ़ सकता है तो वो तरावी जरूर पढ़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें
اس رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔